सत्ता से बाहर जब से हरियाणा बना है तब से वो नहीं रहे। बीच बीच में दूसरी सरकारें आती रही 5-5 साल के लिए, लेकिन लगातार 6 साल, हमारे भी 10 साल हो जाएंगे, लेकिन आज मैं 6 साल कहता हूं, 6 साल कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर कभी नहीं रही। एक बार में 4-5 साल तो रही होगी, लेकिन अब एक एक दिन बढ़ता जा रहा है तो उनकी छटपटाहट ये देखने को मिल रही है। और हर किसी बात पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश में हो, कोई भी नई बात हमारी सरकारों ने की तो उसका वो हवा खड़ा करते हैं, भूत प्रेत जैसी कहानियां सुनाने लगते हैं। और ये कांग्रेस के लोग आज भी कोई ना कोई हवा खड़ा करते रहते हैं। लेटेस्ट अभी का उदाहरण, किसानों के लिए 3 अध्यादेश आए, पार्लियामेंट में कानून बन गए, लेकिन किसान को क्या बहकाएंगे, किसान खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP खत्म हो जाएगा, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर के सब चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे। अब हमारा किसान भोला भाल किसान ही कहूँगा मैं, क्योंकि किसान को ऐसा चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि इसको समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तुम्हारा किसान भाई शुरू में जल्दी ही बहकावे में आता है, लेकिन जब असलियत पता लगती है तब उसको ध्यान में आता था कि बहकावे में बहका रहे थे हमको। तो इस कांग्रेस ने कुछ इनके पिट्ठू इनके साथ यूनियनबाजी करते हुए साथ लगे रहते हैं, उनको उकसाते रहते हैं, हर प्रकार की मदद करते हैं और शोर मचाते हैं। और ये बहकावे में आने वाले किसानों के जो नेता हैं, कुछ छुटपुट नेता वो हैं, इन किसानों के लीडर बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं उनको समझाते हैं, बात करते हैं कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बात कहो, कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन करना तब भी करो, लेकिन सीमा से आगे बढ़ करके नहीं करो। ये लोग पुतले जलाते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन करते हैं, हमें कोई बात नहीं, लेकिन एक सीमा उस समय पार होती है जब ये कहते हैं कि दशहरे के दिन जैसे रावण का पुतला दहन किया जाता है, ऐसे हम प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। ये सीमा, इस सीमा का उल्लंघन कुछ को नहीं करना चाहिए। आखिर वो प्रधानमंत्री जो राम जन्मभूमि के ऊपर जाकर के विशाल राम मंदिर बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाते हैं, उनको हम राम भक्त कहेंगे। जो राम भक्त है वो रावण के बराबर उसकी तुलना की जानी चाहिए क्या? ये शर्म की बात है। तो ये चीजें हमको सबको समझनी चाहिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।